हाशिम, आज ना तू कारखाने गया और ना ही घर का कोई काम किया। सुबह से देख रही हूँ मुंह फुला के बैठा हुआ है। क्या कह रही हूँ मैं तुझे, देख बेटा, इस तरह अपना आप जलाने से कोई फायदा नहीं। अम्मा, बात फायदे या नुकसान की नहीं है, बात मेरी जिंदगी की है। और मेरी इज्जत को ऐसे कैसे चची उठा के ले गई किसी के घर? 4-5 साल से शकीला ने उस घर का बावर्ची खाना संभाला हुआ है, कुछ सोच समझ के ले गई होगी ना, तो उससे ज्यादा फिक्र है उसे। जेबा बेटी है उसकी और मेरी होने वाली बीवी भी है। चची को वहां ले जाने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था। तेरी शादी हो जाती ना तो पूरा हक था उस पे तेरा। क्या मतलब? हक तो अब भी है। अम्मा, बहुत सब्र कर लिया अब मैंने। अब मैं कल जाके उससे बात करूंगा कि अगर तुझे मुझसे निकाह करना है तो फौरन कर ले, वरना गुजारे सारी जिंदगी अपनी मोटी मोटी किताबों के साथ। बड़ा अफसर बनना है ना। हिम्मत है तुझ में ये सब कुछ उसे बोलने की? शेर की तरह धाड़ता है और अंदर चूहे जैसा दिल है तेरा। सामान लेने जा रही हूँ, घर पे रहना, ये ना हो जेबा जेबा करके वहां पे पहुंच जाए तू। पहुंचूंगा तो सुबह। शकीला बहन, आप लोग अंदर जाओ, मैं सामान भिजवाता हूँ। जी ठीक। चल, तू क्या खड़ी देख रही है, चल इस तरफ चलो। इतनी बड़ी बिल्डिंग, अभी ये जो तुम बताती थी उससे भी बड़ा घर है। हाँ माशाल्लाह, बड़ा घर है। घर इतना बड़ा है तो लोग कितने बड़े होंगे, है ना? बड़ी गाड़ियों और बड़े घरों से लोग बड़े नहीं होते, अपनी सोच से होते हैं। क्यों अम्मी? साहिल बेटा। शकीला आंटी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा ये बेटियां हैं मेरी। ये उनका वो पागल बेटा था ना। बुरी बात। चलो सामान उठाओ, चलो। ये इसको इतना सूट करेंगे। अम्मी देखिए, इसकी वेस्ट तो ठीक है लेकिन घेर थोड़ा कम नहीं लग रहा? नहीं, इससे ज्यादा फ्लेयर होगा तो मुंह के बल गिर पड़ोगी। ठीक है। हाँ इतना अच्छा तो है। सुनो, तुम्हें नहीं पसंद आ रहा तो मुझे दे दो। खबरदार, पागल तो नहीं हो गई? मेरी शादी के जोड़ों पे नजर रखने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मी, अम्मी। साहिल, क्या हुआ? वो बाग पार्क। हाँ, क्या हुआ? पार्क में फुटबॉल खेलने गया था, लड़ाई हो गई, लड़कों ने मारा, मैंने भी मारा। उन्होंने तुम्हें हाथ लगाया? तुम्हें क्या जरूरत थी अकेले बाहर जाने की? कौन लड़के थे मुझे बताओ, मैं देखती हूँ उन्हें। पागल हो गई हो, लड़कों से लड़ोगी जाके? हाँ, मैं छोड़ूंगी नहीं उन्हें। फजूल बातें मत करो अर्सला। अब शकीला आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्र है तुम आ गई भाई। ये हैं तुम्हारी बेटियां? हाँ जी। ये बड़ी है जेबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये छोटी फरह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अर्सला बेटा, इसे जरा भाई को ले जाओ कमरे में, कपड़े बदलवा दो इसके। जाओ, शाबाश। शुक्र है तुम आ गई भाई, मैं तुम्हें फोन ही करने वाली थी, इतने काम हैं। ऐसा करो, फिलहाल इन्हें किचन में ले जाओ, कुछ चाय वाय पिलवा दो। तुम्हारा कमरा अभी, उसमें सफाई चल रही है, जैसे ही सेट हो जाएगा तो मसूद तुम्हें सेटल करवा देगा। ठीक है, चल। अम्मी आपने तो कहा था कि शकीला आंटी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, घर में बहुत मुलाजिम है, तो फिर? चाहती तो मैं भी नहीं थी लेकिन क्या करूं, मजबूरी। बाकी मुलाजिम जो है पहचानते नहीं है सारे रिश्तेदारों को, ये पहचानती है। और इसकी मुसीबत के दोनों बेटियों को अकेला इतने दिन छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए बुलवाना पड़ा।